वैभव, श्रेया, राधा, एवरीवन हु आर एक्टिव. सो यस, रितिका आल्सो, गुड आफ्टरनून. बिफोर दिस क्लास मीन्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यू ऑल वर लर्निंग a very important topic, that is tense, right? And in tense you learn many more things: helping verbs, main verbs, identification, and also different translation in different tense. And after that particular chapter, I mean tense, from today, I am going to start a new topic, that is related to voice. So everyone get ready for learning voice. Whatever rule, okay, and what is the most important thing in voice, and many more and other things you have to learn in this topic, means voice. Yes, good afternoon, Miss all. Shreya, so I think you will all already know there are two types of voice. First one is active voice and second one is passive voice. Am I right? Active voice is totally related to tense. Means the sentence which are directly, yeah, take or come from the tense. So you can say that is active voice. But definition is, if we write the definition of active voice, then you will find if the sentence is based on subject, it means if helping verb and main verb, especially helping verb, agree, okay, or verb on the basis of subject, then the sentence is called active voice. And if object is working main role in sentence and helping verb play on the basis of object, then sentence is called passive voice. Right? So this is the definition for active and for passive. Now get ready to learn the conversion of passive voice, okay, from active voice. तो कुछ चीजें है ना पैसिव वॉइस जो रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट थिंग मैं डिस्कस भी कर दिया. एक बार और थोड़ा सा जानेंगे, फिर क्रमशः टेंस बाय टेंस ग्रेजुअली हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉइस को भी कन्वर्ट करते चलेंगे. जिस प्रकार से हमने टेंस को है ना सीक्वेंस वाइज सीखा है, उसी प्रकार से इस वॉइस को भी कंटिन्यूअसली सीखते चले. चलिए, तो इसमें अच्छा पहले बात तो ये कि अभी जो बातें इसके डेफिनेशन के लेकर के डिस्कस हुई, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे. फिर भी एक बार आप हिंदी में भी समझ लें, है ना, कि यदि सेंटेंस सब्जेक्ट पर
बेस्ड है, मींस कि जिसमें सब्जेक्ट का पूरा पूरा रोल हो सेंटेंस में, या सब्जेक्ट के अनुसार जिसमें हेल्पिंग वर्ब एग्री होती है ना, या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार पूरा वर्ब करती है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। और यदि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रोल करे, मींस कि जब पूरी तरह से ऑब्जेक्ट है ना उस सेंटेंस को लीड करे, या उसके अकॉर्डिंग उसमें उसके हेल्पिंग वर्ब में मॉडिफिकेशन, तब पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो एक्टिव वॉइस। इस प्रकार से आप एक सिंपल सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि कर्ता प्रधान वाक्यों को या सब्जेक्ट की जिसमें प्रमुखता होती है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की मेन भूमिका होती है या प्रमुखता होती है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। इसमें रूल्स इस प्रकार से है ना, ओरली ही समझ जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप कॉन्सेंट्रेटली समझते चले। तो एक्टिव वॉइस से जब कन्वर्ट करने जा रहे होंगे हम पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। मींस कि सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में लिखना है। जब ही वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम राइट करेंगे है ना, तो वो उस पर्टिकुलर पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए वो सब्जेक्ट हो जाएगा है ना। इसके बाद टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसके बाद वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। ये चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, किसी भी टेंस की यदि हम वॉइस बना रहे हैं तो उसमें हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन एक रोल करता है, और फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद इन सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। हालांकि इस अदर वर्ड को हम एक और जगह पर भी है ना रिप्लेस कर सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। चलिए तो क्रम से है। अच्छा, सबसे पहले एक सेंटेंस का ऐसे किसी भी टेंस का एग्जांपल समझ लेते हैं। ये या अदर वर्ड इसमें हमें जोड़ना है, तो सेंटेंस दिख रहा है यहां पर देख लेते हैं। चलिए ये है ना, एक सेंटेंस है, एग्जांपल है, ही सिंग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स वेरी वेल। ही सिंग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स वेरी वेल है ना। तो जैसा कि अभी बताया गया कि इस एक्टिव, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इस एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम राइट करेंगे पैसिव वॉइस के लिए है ना। अब जिनको पूरी तरह से क्लियर है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑब्जेक्ट को है ना, सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, तो बहुत अच्छी बात। पर जिनको नहीं आता है कोई पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, और ऑब्जेक्ट हमें कहां मिलेगा, ठीक मेन वर्ब के बाद किसी भी टेंस में, चाहे वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला हो या विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला, दोनों ही कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के ठीक बाद ही मिलेगा है ना। तो उस वर्ड को हमें सबसे पहले राइट करना है पैसिव के कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सॉन्ग सिंग्स के बाद ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है बॉलीवुड सॉन्ग्स, ओके, बॉलीवुड सॉन्ग्स ये। अब ये पैसिव के लिए सब्जेक्ट हो गया ये वर्ड है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमें और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है।
क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है और जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होता है ना, सेंटेंस जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड होता है तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस की लगती है उसके, है ना, फर्दर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें जो वर्ब लोड करेगी कंटीन्यूअस की करेगी, इज एम आर। लेकिन ध्यान देना यह है कि जिस प्रकार से वहां पर टेंस में हमने पढ़ा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एग्री होती है ना, वही चीजें हमें यहां भी करना। तो गुड, किसी ने कमेंट किया है सक्षम शुक्ला, बॉलीवुड सॉन्ग इज सैंग बाय हिम वेरी वेल। थोड़ा जल्दबाजी कर रही हो, एक बार समझ लो पूरी चीजें, है ना, प्रयास करने के लिए वेल डन, बट सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है विवेकानंद, बॉलीवुड सॉन्ग्स आर सन बाय हिम वेरी वेल, यस विवेकानंद इज राइट। तो इस सब्जेक्ट को जब हम देखेंगे तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि यहां सॉन्ग से लिखा है, सॉन्ग्स मीन्स हम सब जानते हैं मोर देन वन सॉन्ग। तो इस प्रकार से वहां हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या था रूल क्या था, एम केवल और केवल आई के साथ, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल सेकंड पर्सन इन सब के साथ आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर बॉलीवुड सॉन्ग्स आर। इसके बाद क्या बोला गया, मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब का हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस के, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सेकेंड हो जाएगा सैंग, थर्ड हो जाएगा संग। तो संग इसके बाद बाय एक प्रीपोजिशन लगेगा जो द्वारा का सेंस देता है, है ना, एजेंट का काम करता है, इसको आप ऐसे समझेंगे, है ना, कि किसके माध्यम से कार्य हुआ, बाय बाय के बाद सब्जेक्ट। अब इसमें एक ये रूल आता है, अभी इसको हम लिख भी देंगे तो सभी लोग, है ना, उस चीज को लिख भी देंगे, ये पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, पर इसमें ये रूल है, यदि सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है, मींस प्रोनाउन बेसिस है, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ही का कन्वर्जन अभी फिलहाल ऐसे समझे, ही का कन्वर्जन हिम में होगा और फिर अदर वर्ड वेरी वेल। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, यू है ना, ये समझने के लिए कि किस किस प्रकार से कन्वर्जन होकर के पैसिव वॉइस में, है ना, सेंटेंस लिखा गया है। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स आर संग बाय हिम वेरी वेल, है ना, सेंटेंस ये क्या था, ही सिंग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स वेरी वेल, वह बॉलीवुड सॉन्ग बहुत अच्छे से गाता है, जो भी। अब यहां पर क्या उसे क्या मिक्स हो जाता है, बॉलीवुड सॉन्ग उसके द्वारा बहुत अच्छे से गाया जाता है, ये जो बाय लगता है ये एजेंट का काम करता है और यही ये मीडियम है ना, यूं समझिए आप, जो ये सेंस में देता है कि द्वारा किसके द्वारा वर्क हुआ। चलिए अब सेंटेंस और सॉरी टेंस वाइज सभी का स्ट्रक्चर लिखते हुए एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। If anybody confused with my explanation, then you can raise your question without hesitation. Whatever I have just explained related to active and passive voice, if you have any doubt, then you can create question. And if no, then listen next thing. समझना ये है कि यदि sentence present indefinite से related है तो
किस स्ट्रक्चर के आधार पर है ना हम उस सेंटेंस को उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, देन हेल्पिंग वर्ब इज एन आर, ओके, देन ब्रीफली, देन बाय प्रीपोजिशन दैट इज वर्ब एज एजेंट, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड एट द लास्ट अदर वर्ड। यू कैन राइट अदर वर्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, मीन्स बोथ प्लेस आर सुटेबल फॉर अदर वर्ड्स। You can write here or here, है ना? या तो हम ब्रीथिंग के बाद उसको राइट करें या फिर सबसे लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, है ना? पर सबसे पहले जो जरूरत की बात आती है, या है ना, यू कह कि मेन थिंग, तो क्योंकि जब सेंटेंस दिया गया होगा कहीं पर सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर कभी भी ये ना बताया गया होगा कि ये पर्टिकुलर इस टेंस की एक्टिव वॉइस दी गई। तो इसलिए जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर देंगे। इसीलिए देखिए आइडेंटिफिकेशन पर जो जाता है, वो चाहे हिंदी सेंटेंस के लिए हो या फिर इंग्लिश सेंटेंस के लिए। तो इंग्लिश हिंदी सेंटेंस में हम हिंदी वर्ड्स के आधार पर आइडेंटिफाई करते आए हैं, टेंस में सारी बातें हमने सीखी, है ना? अब उसी प्रकार से इसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के आधार पर इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये चीजें हम एक सेकंड, ये चीजें हम जरूर बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन से है ना मेन वर्ब का फॉर्म क्या लगता है। ये सारी चीजें यदि हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी, टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, क्लासेस में, मींस हर जगह पर, है ना? चलिए एग्जाम्पल देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन इसके पहले एक चीज आप अभी है ना जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से एक चार्ट बनाएंगे सभी लोग, है ना? ये प्रोनाउन के कन्वर्जन के चार्ट है। इसको ऐसे समझना है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है ना, बल्कि यहां पर ऐसे लिख भी लेंगे ये, और यहां पर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, चाहे आप नीचे लिख लें या बगल में कहीं भी। तो यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, या क्रम से लिखें ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं, है ना? यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में, है ना, जब ऑब्जेक्ट बनकर ये वर्ड जाएगा, समझना इस प्रकार से, तो उसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा मी में, इधर वी का कैसे में कन्वर्जन होगा अस में, सेकंड पर्सन का कन्वर्जन उसी सेम फॉर्म में ही रहता है, यू का कन्वर्जन यू में ही, है ना? फिर थर्ड पर्सन की बात की जाए तो वी बदलता है हिम में, सी बदलेगा हर में, है ना? इट बदलेगा इट में, दे बदलेगा दे में, ये है ना? और यदि नेम है तो नेम का कन्वर्जन नहीं होगा, मीन्स नेम का नेम ही लिखा जाएगा, वो नेम या तो प्रॉपर हो या कॉमन हो, किसी भी तरह का नेम, है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो उस कंडीशन में उस वर्ड को हम सेम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट में,
अब इसमें समझना ऐसे है, ये एक अल्टरनेट प्रोसेस है, ये उत्तर इस तरह से भी समझ के रखें। अल्टरनेट प्रोसेस का मेरा मतलब यहां पर ये है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में जब इस वर्ड का ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा तो मी का वर्ड होकर लिखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से है ना, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी है, तो पैसिव वॉइस में उसको जब हम स्टार्टिंग में मींस सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई लिखेंगे, मींस उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। इसका एग्जांपल इस तरह से आप समझ लें, ही कॉल्स मी है ना, ही कॉल्स मी ये ऑब्जेक्ट में है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ना, ये ही कॉल्स मी, तो इसका कन्वर्जन जब होगा प्रोनाउन का तो क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो जब पैसिव वॉइस में क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट वाला वर्ड कभी भी डायरेक्टली उसी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता है, इसलिए उस वर्ड का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा ये आई। तो वही बात कही जा रही है कि ये है ना, यस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में मी है तो पैसिव में उसका कन्वर्जन इस कैसे हो जाएगा आई, इसीलिए अल्टरनेट प्रोसेस के लिए बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, आई एम कॉल्ड बाय लग जाएगा और ही का ही ये है ना। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा इसे है ना सब्जेक्ट प्रोनाउन बेसिस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आई बदलेगा मी में, मी बदलेगा अस में, यू बदलेगा यू में, ही बदलेगा हिम, सी हर में, इट इट में, दे दे में, नेम का नेम ही करेगा। चलिए अब इसके आधार पर सेंटेंस को है ना कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, एग्जांपल में आप समझ गए। एक सेंटेंस है ना, आई टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, सेंटेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, तो डिफिकल्ट ही है। और एक चीज देखिए सबसे अहम चीज होती है कि यदि हम स्ट्रक्चर के आधार पर चल रहे हैं किसी भी चीज का, हमें ट्रैक पता है, रूट पता है, तो रास्ता कितना भी लंबा हो या मंजिल कितनी भी लंबी हो पहुंच जाए, बस जरूरत क्या है हमें उस रूट को या ट्रैक को फॉलो करने की, या जो भी ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है यहाँ की बात की जाए तो उसके बेस पर यदि चलेंगे तो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते चलेंगे है ना। आई टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कॉफी, एक आम सेंटेंस थोड़ा सा समझ लेंगे सब लोग, और बल्कि है ना अब कॉफी एक अनकाउंटेबल वर्ड है और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है ना, हमेशा सिंगुलर वर्ब टेक करते बिल्कुल, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कॉफी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, वेरी गुड विवेकानंद पुनीत, कॉफी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, यस अरविंद इज ऑल्सो राइट, तो अच्छी बात है ना। प्रभात सिंह चौहान मिसिंग हुई है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, सभी लोग कमेंट करें, हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चल है ना कर रहा हूं तो आप रिस्पॉन्ड भी करते चलें। दिस गुप्ता कॉफी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, यस गुड कॉफी इज, तो अभी मैंने बोला अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर, मींस जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वही अनकाउंटेबल के साथ, तो कॉफी इज इसमें टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, इसके बाद बाय और आई
है ना, अभी बताया गया। तो सब्जेक्ट ये जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी। अदर वर्ड में क्या है, एवरी मॉर्निंग टी, है ना, कॉफी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। चलिए ये है ना, एक सेंटेंस है, माय फादर लिसंस स्पोर्ट्स न्यूज एवरी डे। इसको भी सभी लोग प्रयास करें, माय फादर लिसंस स्पोर्ट्स न्यूज एवरी डे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दें, केवल एक दो चार लोगों के रिस्पॉन्स से है ना बात नहीं बनती है, कि जब सभी का आंसर आएगा है ना, एक एक स्टूडेंट जब रिस्पॉन्ड करने लगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक क्या रहा है। इसलिए सभी लोग रिस्पॉन्स दें। विवेकानंद ने रिप्लाई किया है, थोड़ी सी मिसिंग हुई है इस बार विवेकानंद। पुनीत मिश्रा सेम मिस्टेक यहां पर भी हुई है। यस दिस गुप्ता इज राइट, स्पोर्ट्स न्यूज इज रिसेंट, लेकिन मिसिंग एक चीज की, तुमने एजेंट का यूज नहीं किया है ना, जो प्रीपोजिशन लगता है वो नहीं लगाया। चलिए सभी लोग थोड़ा सा देखेंगे, अर्पित चंदेल मिसिंग हुई है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में प्रॉब्लम है ना। और भी लोग सामने आए रिस्पॉन्ड करें, चलिए एक तो अच्छा यहां समझने की बात ये थी, स्पोर्ट्स न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर है ना माना जाता है, स्पोर्ट्स न्यूज इज लिसेंट, बाय का यूज नहीं हुआ है, पूनम लिसेंट बाय माय फादर एवरी डे ऐसे होगा है ना। तो इस प्रकार से न्यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है, तो इस प्रकार से इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स न्यूज इज ये लिसेंट बाय माय फादर एवरी डे, ये है ना, स्पोर्ट्स न्यूज इज लिसेंट बाय माय फादर एवरी डे। चलिए जिस प्रकार से टेंस में रिस्पॉन्स सभी का आ रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था,
उसी तरह से मैं यहाँ पर भी वॉइस में भी चाहता हूँ सभी लोग रिस्पॉन्ड करें अच्छे से, है ना। गलतियों के लिए ना डरें, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आप प्रयास जरूर करें। है ना छोटी सी, अच्छा छोटी सी आप हैं आप, बिल्कुल। तो ये चीजें मैं, है ना, अभी डिस्कस करने वाला था ये कि यंग सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो सारी चीजें ठीक उसी तरह से ही होंगी, उसके लिए है ना कोई अलग से रूल नहीं है। मींस कि जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी हम जैसे ही सब्जेक्ट लिखा हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को अप्लाई कर देंगे। और यंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ तो भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से है ना सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट और फिर और भी चीजें। तो एक एग्जांपल हम समझ लेंगे, They do not play hockey, है ना, छोटा सा ही एग्जाम्पल है बस समझ लेंगे। They do not play hockey, सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में, ये ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है तो पैसिव में भी किसी जब जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। Means कि हॉकी एक गेम है और गेम अपने आप में एक ही होता है कोई भी, इसलिए सिंगुलर। तो यहाँ पर इस गेम इस फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी अच्छा अभी चीजें डिस्कस हो रही थी और निकल रही थी, तो नॉट है ना, जिस प्रकार से यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है और उसी प्रकार से यहाँ हॉकी इज नॉट और फिर मेन वर्ब Played by them. Hockey is not played by them. Yes, वही चीज है। तो ये सजेस्ट करने का मेरा मीन्स था, है ना, कि हम कहीं पर मिसिंग में करने जाएं, या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, या नेगेटिव है तो सारे रूल्स उसी तरह से चलेंगे जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हमने टेंस में सीखा है। बस यहाँ पर करना क्या होता है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का है ना रिप्लेसमेंट कर लेंगे। चलिए आज के लिए है ना यहीं पर क्लास को ओवर करता हूं, टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट थिंग कल डिस्कस होगी, है ना। चलिए थैंक्स टू एवरीवन।